पिछले लंबे समय से ज्ञान वापी केस को लेकर लड़ाई लगातार जारी है। इसी बीच एक बार फिर से इस पर सुनवाई हुई। इस दौरान एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया, जिसके बाद से हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। काशी ज्ञान वापी से जुड़े अलग अलग मामलों की सुनवाई वाराणसी जिला न्यायालय में लगातार जारी है। इसी क्रम में बुधवार की अगर बात करें तो बुधवार का दिन बेहद खास और महत्वपूर्ण रहा। वो इसलिए क्योंकि इस दिन ज्ञान वापी परिसर से जुड़े सोमनाथ व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ को लेकर वाराणसी जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। कोर्ट ने व्यास जी तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने का अब अधिकार दे दिया है। कोर्ट ने साथ में ये भी निर्देश दिया है कि 7 दिन के भीतर वहाँ पूजा कराने की व्यवस्था की जाए। बीते मंगलवार को हिंदू मुस्लिम पक्ष ने इस मामले को लेकर अपनी अपनी दलील पेश की थी, जहां हिंदू पक्ष ने तहखाने में प्रवेश के साथ पूजा पाठ करने के लिए आदेश मांगा था। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी। बता दें कि करीब 3 महीने तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे के दौरान तहखाने में साफ सफाई हुई थी। कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर अब हर किसी की निगाह टिकी हुई थी। बता दें कि 1993 से व्यास जी तहखाना बंद पड़ा था। इधर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राकेश सिंह की पुनरीक्षण याचिका पर ज्ञानवापी मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को बुधवार को नोटिस जारी किया। वादी राकेश सिंह ने वाराणसी की अदालत द्वारा 21 अक्टूबर 2023 को सुनाए गए उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर कथित शिवलिंग को छोड़कर वजूखाना का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI से सर्वेक्षण कराने के निर्देश देने से इनकार कर दिया था। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को ये नोटिस न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत द्वारा जारी किया गया था। तो कुल मिलाकर बुधवार को जो कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया है, इसके बाद से हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। 7 दिन के भीतर पूजा पाठ कराने के लिए और इसकी व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ नया मोड़ आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज़।